SYL के मुद्दे पर सियासत का टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। दोनों राज्यों में चुनावी मसला बन चुका ये मुद्दा आज तक सिरे नहीं चढ़ पाया। SYL मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब CM भगवंत मान पर एक बार फिर निशाना साधा। क्यों पर दो बार से बोल चुका हूँ, एक ही पंक्ति बोलनी ठीक है कि मनोहर माहौल में बात हुई परंतु मान है कि माने ही नहीं। हरियाणा राज्यसभा सांसद DP वत्स ने इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस मामले का समाधान नहीं हो पाया है। के मुख्यमंत्री की जो मांग थी कि पहले नहर तो खुदवाने पर राजी हो, वो उन्होंने इनकार कर दिया। ये तो उन्होंने कहा कि भई हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, मगर मैं कहता हूँ हरियाणा भी प्रधानमंत्री पे छोड़ सकता है, मगर प्रधानमंत्री की बात तो मानने को तैयार हूँ कि जो वो कहेंगे जो वो करेंगे वो हमें मंजूर हो। SYL के मुद्दे पर सांसद नायब सैनी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब हरियाणा को प्यासा मार रहा है। SYL की एक एक बूंद हरियाणा की है। लगभग अगर देखें 1962 से आज तक, अगर 1962 में जब यह फैसला हुआ था, अगर SYL का पानी हरियाणा के अंदर आता, हरियाणा के किसान को मिलता, तो जो अन्न का भंडारण है उस अन्न के भंडारण के अंदर लाखों टन हमारा किसान हरियाणा का अनाज पैदा करके उसके अंदर देने का काम करता, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का वो लाभ मेरे किसानों को होता, उसका नुकसान करने का काम भी वो पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब ने किया है। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पिछले 4 दशकों से एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। पंजाब हमेशा से SYL के पानी को हरियाणा को देने का विरोध करता रहा है और अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। पंजाब के इसी रुख के कारण वर्षों से इस मामले का समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जनवरी में इस विवाद पर क्या मामला सुनाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी।